140 करोड़ जनता के लिए काफी खुशी की बात है। आपको मैं बता दूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में जो बजट पेश हुआ है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट दिया है वो काफी देश के लिए लाभदायक है। 140 करोड़ जनता के लिए बहुत बड़ी बात है कि खुशी का माहौल है। आपको मैं बता दूं कि इस बजट में युवाओं के लिए और किसानों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था दी गई है। आपको बता दें कि युवाओं को लिए 1 करोड़ नौकरी की बात की गई है, जिसमें इंटर्नशिप 5,000 रुपया आप लोगों को भत्ता मिलेगा और 500 प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत आप 500 प्राइवेट कंपनियों में जॉब होगी, वो भी 1 करोड़ युवाओं के। किसानों के लिए भी काफी खुशी की बात है। आपको बता दें, यहाँ पर लोग सोचने क्या लोग लगा रहे हैं कि बजट आ रहा है 2024-25 का, तो घरेलू के लिए क्या क्या सस्ता हुआ, तो मैं आपको बता दूं, घरेलू के लिए सस्ता हुआ है, महिलाओं के लिए जो सोना चांदी है वो काफी सस्ता हुआ है। जहां पर लोग आजकल मोबाइल पर ज्यादा ध्यान रहे हैं, तो आपको बता दें मोबाइल और प्लस चार्जर भी सस्ता किया गया है। और वहीं पर अगर महंगा हुआ है तो प्लास्टिक के उपकरण जितने हैं वो सब महंगे हुए। यहीं पर मैं आपको और बड़ी बात बता दूं कि टैक्स को लेकर व्यापारी और बिजनेसमैन और नौकरी वाले जो भी हैं उनके लिए मैं बता दूं, 3 लाख पर 0% ब्याज रहेगा और 3 से 7 लाख पर आपको 5% देना पड़ेगा और 7 से 10 लाख पर 10%, क्योंकि ये 2024 का काफी अच्छा बजट दिया है वित्त मंत्री जी ने, और नरेंद्र मोदी जी की योजना है विकसित भारत को। आप देख सकते हैं पूरी खबर। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों
के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और यह लंबे वर्ष समय से यह मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा।